गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज इस प्लस टू मैथ्स क्लास में जो हम टॉपिक करेंगे वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है। इससे लास्ट लेक्चर्स में हमने डिटर्मिनेंट्स की सारी जो थ्योरी है वो कवर अप कर ली है, तो एक बार आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो सेम रहती है यदि हम कॉलम्स एंड रोज को इंटरचेंज कर दें। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है। तो जैसे कि मैंने डेल्टा लिखा है 1, 2, 3, 4, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 4 - 6 इज इक्वल टू -2। यदि मैं इसको चेंज कर देती हूँ कॉलम्स को रोज में, फर्स्ट जो रो है उसका मैंने कॉलम बनाया, ठीक है, सेकेंड जो रो है उसका भी सेकेंड कॉलम बना दिया, इसको जब सॉल्व करेंगे तब भी इतना ही आंसर आ रहा है। तो इट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या कहते हैं, यदि हम टू रोज को आपस में इंटरचेंज कर दें या कॉलम्स को, तो जो डिटर्मिनेंट का साइन है वो चेंज हो जाएगा। मतलब मान लो हमने एक चेंज किया है, ठीक है, तो जो हमारा डिटर्मिनेंट का साइन है यदि पॉजिटिव आएगा तो एक चेंज करने के बाद न्यू डिटर्मिनेंट नेगेटिव आएगा, ठीक है। इस तरह से यदि हम दो चेंजेस करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट का साइन पॉजिटिव आएगा, वन चेंज करेंगे तो जो आंसर हमारा एक्चुअल में आ रहा है तो जो न्यू डिटर्मिनेंट है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। जैसे कि मैंने एक डेल्टा लिखा हुआ पहले ही, इसको सारा आप एक्सपेंड कर लेना तो ये -3 आएगा। अब मैंने क्या किया, डेल्टा वन में फर्स्ट टू रोज को R1 को मैंने R2 बना दिया, ठीक है, और R2 को R1 बना दिया, इनको इंटरचेंज करके लिखा। तो मैंने डेल्टा वन फाइंड आउट किया, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 3 आ रहा आपका। तो इट मीन्स हमने एक चेंज किया तो माइनस का साइन आ गया। इसी तरह से दो चेंजेस करेंगे, देखो दो चेंजेस करेंगे तो -1 का स्क्वायर ऐसे डेल्टा वन ऐसे आएगा आपका, ठीक है। तो मतलब डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन ही आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपने इसको करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, यदि हमारे पास दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखी है, मैंने लिखा फर्स्ट रो में 1, 2, 3 है, सेकंड रो में भी 1, 2, 3 है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपने। सॉल्व करके आपने चेक किया आपके पास आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से यदि दो कॉलम भी सेम होते तब भी आंसर 0 ही आता। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारे पास, फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या, मान लो जैसे ये मैंने डेल्टा एक लिखा हुआ है, ठीक है, और इसकी फर्स्ट रो को मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो मेरा आंसर आएगा वो ये आएगा, डेल्टा जो है वो ऐसे आएगा आंसर, डेल्टा इज इक्वल टू के टाइम्स डेल्टा वन ऐसे आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें जैसे कि मैंने अब डेल्टा लिखा पहले, इसको आपने सॉल्व किया 2 आ गया आपका, फिर मैंने क्या किया फर्स्ट रो को के से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 1K, 2K, 3K हो गया, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 2K, ठीक है। तो डेल्टा 2 था मेरे पास, डेल्टा 1 2K था, इट मीन्स जो डेल्टा मेरा है वो कितना आया, K टाइम्स डेल्टा 1 आ गया, ठीक है। मतलब एक रो को आपने मल्टीप्लाई किया K से तो जो आंसर आएगा, मतलब कि जो नया डेल्टा 1 बनेगा उसमें वो K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है फिफ्थ प्रॉपर्टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें देखो क्या है, जैसे कि डेल्टा मैंने लिखा हुआ पहले 1+K, 2+M, 3+N और फिर 0, 1, 0, 0, 0, 1। इसमें जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में क्या है, सम ऑफ टू एलिमेंट्स है, तो जब ऐसे होगा तो ये इसके हम दो डिटर्मिनेंट्स में इसको सप्लिट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करना आपने, जो क्योंकि जो फर्स्ट रो में है सम ऑफ टू एलिमेंट्स है, तो फर्स्ट रो के, ठीक है, फर्स्ट रो को आपने जैसे लिखना है वैसे, जैसे फर्स्ट एलिमेंट 1 लिखा मैंने, फिर 2 और फिर 3, ठीक है, इसी तरह से फिर सेकंड एलिमेंट K और M और N। तो ये जो बाकी जो दो रोज थी वो दोनों सेम रहेंगी, डेल्टा 1 में भी डेल्टा 2 में भी, ठीक है। अब आपने इसको एक्सपेंड करना है, तो डेल्टा को मैंने एक्सपेंड किया तो मेरे पास 1+K आ जाएगा, डेल्टा 1 को खोलेंगे तो 1 आ रहा है, डेल्टा 2 को खोलेंगे तो K आ रहा है। तो इस तरह से हमने देखा डेल्टा जो है वो डेल्टा 1+डेल्टा 2 के इक्वल आएगा। तो इसका कंक्लूजन देखो क्या निकला,
मान लो मेरे पास डेल्टा ऐसे है कि फर्स्ट रो में भी सम ऑफ टू एलिमेंट्स हैं, सेकेंड रो में भी सम ऑफ टू एलिमेंट्स हैं, तो मेरे पास टोटल डिटर्मिनेंट्स कितने बनेंगे, 2 x 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, वो देखो कैसे करना है। इसको आपने 1 by 1 स्प्लिट करना है, ये नहीं कि पहले फर्स्ट रो के को जैसे 1 3 0 0 ऐसे निकले, ऐसे नहीं लिखना आपने। हमने क्या करना है, पहले इसके 2 डिटर्मिनेंट बनाने हैं, जिसमें जिसकी जो सेकेंड रो होगी वो सेम रहेगी। देखो मैंने पहले लिख दी हुई है, ठीक है, तो ऊपर आएगा 1 0 और अब सेकेंड एलिमेंट के और एल, हो गया क्लियर। अब हमने इसके फिर से 2 डिटर्मिनेंट बनाने हैं, तो इसकी जो फर्स्ट रो है दोनों की सेम ही रहेगी, ठीक है। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या था हमारा, 3 0 और इसका एम एंड एन, ठीक है। इसी तरह से इसमें करना है आपने, के और एल तो सेम रहेंगे इसमें, 3 0 एम एंड एन। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इसी को एक्सपेंड करती हूँ, डेल्टा को, डेल्टा को एक्सपेंड करके मेरे पास आएगा 1 + k इंटू एन माइनस एल इंटू 3 + m, तो ये आ जाएगा n + kn माइनस 3l + lm। ये 1 कर देते हैं इसको। अब मैं इसको सारा सॉल्व करती हूँ, एक्सपेंड करते हैं इसको, तो ये 0 आ गया, प्लस n आ गया, ठीक है, प्लस 0 माइनस 3l आ गया, और जो लास्ट वाला है प्लस kn माइनस ml आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास बना n माइनस 3l प्लस kn माइनस ml। तो आप चेक करो क्या 1 and 2 मैच कर रहे हैं, n + kn आ रहा है, माइनस 3l प्लस माइनस ml आ रहा है, ये माइनस का था यहाँ पर, यस, ठीक है, ये भी आ रहा है, तो इट मीन्स 1 = 2 आ गया, ठीक है। तो इट मीन्स यदि मेरे पास डेल्टा में सम ऑफ टू एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो में भी सेकंड में भी, तो ये कितने डिटर्मिनेंट्स बनेंगे, 2 2 x 2, जितने नंबर एलिमेंट्स होते हैं हर एक रो में उसको आप मल्टीप्लाई करते जाओ तो उतने डिटर्मिनेंट्स आपके पास बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करना है। अब हमारी ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है, ये थोड़ी सी मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी 6। इसमें ऐसे होता है, देखो डेल्टा मेरे पास ऐसे गिवन है, 1 2 3 4 5 6 0 7 8, ठीक है। और जो मेरे पास डेल्टा 1 है, मैंने क्या किया, जो लास्ट वाली रो है इसको मैंने k से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, k से इसको मल्टीप्लाई करके मैंने इसको k से मल्टीप्लाई करके इसको फर्स्ट रो में ऐड कर दिया, 1 + 0 × k, ठीक है, 2 + 7 × k, ठीक है, प्लस 8 k, मतलब लास्ट वाली रो को मैंने k से मल्टीप्लाई किया, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और उसको फर्स्ट रो में ऐड कर दिया, 4 5 6। तो आप देखेंगे दोनों का जो डिटरमिनेंट आंसर है वो सेम ही आएगा, वो कैसे, ये देखो हम पहले डेल्टा को एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है, ये जो 4 लिखा है मैंने यहाँ पर, मैं 0 ही ले लेती हूँ, थोड़ा सा मेरे को एक्सपेंड करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, इसका आंसर आएगा 40 - 42 = -2, ठीक है, इसको यहीं पे एक्सपेंड कर दिया मैंने। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैंने इसको एक्सपेंड करना है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करी है, यह आएगा 1 0 0 2 5 7, हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करेंगे, प्लस k 0 0 7 k 5 and 7 8 k 6 and 8, ठीक है। इसको अब मैं फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर देती हूँ इसको भी, तो कितना आएगा मेरे पास, 40 - 42 प्लस, ऐसे इसको मैंने किया एक्सपेंड फर्स्ट कॉलम से, तो ये कितना आएगा मेरे पास, k 40 - 42, ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास, -2 - 2k, ये पर ये k नहीं था हमारा, ये 0 था यहाँ पर, 0 था,
ठीक है ना, ये जीरो था, ये देखो जीरो प्लस जीरो इंटू के नहीं था हमारा, ठीक है, जीरो इंटू के तो जीरो ही हो गया ना, ये जीरो था हमारा, तो ये जीरो ही बन गया सारा आपका भी, तो ठीक है जीरो ही आ गया। तो इस तरह से ये सारा जीरो ही आ गया था, यहाँ पर मैं ठीक कर देती हूँ, ये जीरो ही था, ठीक है, तो ये माइनस टू ही आ गया। तो इट मीन्स हमने देखा जो डेल्टा है वो डेल्टा वन के इक्वल ही आ गया, हो गया क्लियर, ठीक है। तो इट मीन्स इसकी ये जो प्रॉपर्टी, ये क्या बनी हमारे पास, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो या कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो या कॉलम आर एडिट, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया था, जो लास्ट वाली रो को कैसे मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट रो में ऐड किया, तो इसके बाद मैंने जो अभी प्रॉपर्टी करवाई थी प्रॉपर्टी फाइव वो यूज़ करके इसका आंसर निकाला। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने देखा कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इस पर जो बेस्ड है वो एक्सरसाइज 4.2 है, उसको आप ट्राई कर लेना और सारी आप मिसलिनियस वगैरह भी इस पर ट्राई कर लेना, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।